यशोदा जद नाम दाने आ जाना यशोदा जद नाम दाने आ जाना असंफता तो वद के गलवा पा जाना यशोदा जद ना मदाने आ जाना यशोदा जद नाम दाने आ जाना

मदाने आ जाना येशू दिना नाम दाने आ जाना जी मसीह में आपको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ आपकी मेज़बान महविश नौमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा नाजिनी जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मसीह कौम के बच्चे भी किसी से कम नहीं आज मैं आपकी मुलाकात मसीह कौम की ऐसी होनहार बेटी से करवाने जा रही हूँ जो वैसे तो एक स्टूडेंट है इसके अलावा वो पेंटिंग स्केचिंग करती हैं स्केचिंग इतनी अच्छी करती हैं कि देखने वालों की जो आंख है वो दंग रह जाए आज मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी और और क्या क्या उनमें टैलेंट है वो भी हम आपसे आज शेयर करेंगे मसीह में आपको सलाम आपको भी सलाम कैसी हैं आप जी ठीक खुदा का शुक्र है अच्छा आप प्रसिकला ये मुझे बताएं कि सबसे पहले कि स्केचिंग का पेंटिंग का आपको शौक कब से है ये शौक़ एक्चुअली स्टार्ट से तो नहीं था स्टार्ट से मतलब मेरी पेंटिंग और स्केचिंग अच्छी थी मतलब लेकिन सिर्फ वो सिर्फ थी इस हद तक के स्कूल में जिस तरह अगर करनी है किसी ड्राइंग बनानी है या ड्राइंग का पेपर है या प्रैक्टिकल कॉपीज़ हैं सिर्फ उस हद तक लेकिन टेंथ के बाद जब हमें हॉलीडेज़ होती हैं बोर्ड के पेपर्स के बाद उसके अंदर स्टार्ट किया और फिर रोज़ फ्री होते थे तो यही करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पैशन भी बन गया एक कि नहीं करनी है रोज़ तो इस तरह इस तरह फिर पेरेंट्स की तरफ़ से भी फेवर मिलती गई इस चीज के लिए कि मुझे जो भी मैं चीजें मांगती थी वो मुझे मिल जाती थी तो इस वजह से फिर इसका ऐसा ऐसा शौक बनता गया और आते तो इसकी बाकायदा आपने कहीं से क्लासेस ली हैं क्लासेस तो नहीं गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं बाकी जो है कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट एक प्रैक्टिस से आती है आपको क्योंकि ये कहते हैं कि आर्टिस्ट हर शख्स के अंदर ही होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं रोज़ बरोज़ कोई भी आम जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी लेकिन रोज़ करते करते वो प्रैक्टिस करते वो और अच्छी हो जाती है और एंड पे आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं कि कोई आपका ऐसे इंटरव्यू ले तो इसके लिए प्रैक्टिस है दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखकर और रेफरेंस देखकर इस तरह से और बस इस तरह से और कोई क्लासेस वगैरह तो नहीं इस बारे में अच्छा पर प्रशिकला मुझे ये बताएं और हमारे नाजरन को भी कि आप पेंटिंग तो करती हैं इसके अलावा आपके क्या क्या मतलब शौक़ है हमने सुना कि आप जो है फ़ोटोग्राफी भी करती हैं जी फोटोग्राफ़ी का जब यूनिवर्सिटी में जाना शुरू हुई तो वहाँ पर स्टार्ट का वन मंथ हमारा फ्री था उसके अंदर क्लासेस कोई भी नहीं थी तो हम जैसे क्लास के बाहर फिरते रहना या सब सर्दियाँ थी तो ग्राउंड में आ जाना और वहाँ पर बैठे रहना तो वो नेचर का काफ़ी ज़्यादा देखना हुआ और उसके साथ इनकाउंटर हुआ तो वो चीज़ों को देख कर अच्छा इनको पिक्चर्स लेते हैं या कैप्चर करते हैं तो वो पिक्चर्स भी बहुत अच्छी देख कर एक अच्छा हुआ मैं भी फोटोग्राफर जैसी पिक्चर्स खींच सकती हूँ तो वो पिक्चर्स इस तरह कलेक्ट करते करते वो कितनी सारी हो गई तो क्लास में सारे मुझे मुझे फोटोग्राफ़र आर्टिस्ट और इन्हीं नामों से बुलाते हैं अच्छा प्रशिकला मुझे ये बताया कि हमने सुना है कि आपने आइजिक टीवी के एक प्रोग्राम आई कैन डू में भी पार्टिसिपेट किया तो किस तरह आपने ये पार्टिसिपेट किया और कैसे आपका उनसे से रबता हुआ जी ये उनके चैनल से मैंने देखा था जो उनका शो आता है आई कैन डू पास्टर नदीम सलीम करवाते हैं और वहाँ से बस उन्होंने उसके ऊपर ऐड थी एक तरह से उसके अंदर कंपटीशन था कि हमने यसु मसीह हमारा कफ़ारा इसके ऊपर कोई भी ये मतलब पेंटिंग बनानी है इससे रिलेटेड और इसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया वन मंथ का टाइम था और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद वो मुझे तो नहीं थी उम्मीद इवन मैं भूल भी चुकी थी उस चीज़ को कि मैंने पार्टिसिपेट किया है और फिर उनकी एक दिन मैसेज आया बल्कि उनका पहले के आपने विन किया है तो मेरी बहन ने देखा उसने मुझे देख के बताया कि वो तुम्हें याद है वो स्केच तुमने सबमिट करवाया था उसके ऊपर तुम्हें प्राइज़ मिला है मैं इतनी हैरान हो गई देख के उसके बाद उनकी कॉल आई उन्होंने कहा आपने विन किया है वो और मैं बहुत खुश हो गई थी उसके बाद उन्होंने वो ट्रांसफ़र किए हमें टेन थाउजेंड उसका प्राइज़ था मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी तो उन्होंने टेन थाउजेंड ट्रांसफ़र किए हमें जैस कैश से और वो मैंने विन किया उस पिक्चर के ऊपर तो कैसा महसूस हुआ बहुत खुशी हुई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी फ़र्स्ट टाइम मैं मतलब कोई अब तक जितनी बना चुकी हूँ उसके अंदर फ़र्स्ट टाइम था कि वो किसी प्राइज़ मिला था मुझे किसी पेंटिंग पे और मुझे उस पर उम्मीद भी नहीं थी कि अच्छा मुझे इतनी सी सिर्फ वो पेंसिल स्केचिंग पे मुझे इतना प्राइज़ मिल सकता है और खुदा उनका शुक्र है क्योंकि उसके अंदर मसीह शामिल था उस पिक्चर में इस वजह से वो जो है उसके वसीला से बरकत भी आई इसके अलावा भी कहीं आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? इसके अलावा मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है और वो कंपटीशन थर्ड ड्रग एडिक्शन के बारे में उसके अंदर भी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन विन की और उसके ऊपर ट्रॉफी भी मिली सर्टिफिकेट भी और इस ट्रॉफी कौन सी आपको मिली दिखाओ? ट्रॉफी ये ये आपने विन की। हाँ जी ज़बरदस्त अच्छा पर शिकला मुझे ये बताएं कि आज आज तक अब तक जो भी आपने पेंटिंग्स बनाई उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है और मतलब उसको देख के आप मतलब क्यों मतलब वो आप कितनी फेवरेट है और क्या महसूस होता है कि या जो आपने अपने हाथों से बनाई है और उसके पीछे क्या मतलब वजह है पेंटिंग्स जो यहाँ तक मेरी बात है मुझे अपनी जब बनाते हैं जब एंड करते हैं तब तो सारी पसंद आती हैं कि हाँ ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ देर के बाद वो होता है उनकी ज़रा अट्रैक्शन कम हो जाती है कि नहीं अच्छी बनी है पर उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन एक है जो मुझे अब तक भी बहुत पसंद है और ये वो पेंटिंग है ये पेंटिंग मेरे माइंड में भी नहीं थी मैंने देखी भी नहीं थी लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस सेंड किया कि तुम ये ड्रॉ करो तो मैंने उसका रेफरेंस देख के फिर उसके मीनिंग को समझा इसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि जैसे एक लड़की जो है वो दुनिया के जो बातों से या तानों से वो डिप्रेशन में आकर जिस तरह से वो डूब चुकी है उसके अंदर तो ये उसको शो कर रहा है कि वो डूब रही है जो उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या उस तरह से तो वो पेंटिंग को मैंने ड्रा किया और मुझे खुद को ये अब तक बहुत पसंद है मेरी पेंटिंग जो मैंने बनाई है और ये ही मोस्ट फेवरेट ज़बरदस्त अच्छा प्रशिकला मुझे ये बताएं कि कौन सी पर्सनैलिटी आपकी फेवरेट है जिसको देख आप इंस्पायर हुई पर्सनैलिटीज़ तो बहुत सारी हैं क्योंकि मैं जो है कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने सीखा नहीं है मेन किसी एक चीज़ के बारे में तो पेंटिंग्स क्योंकि ड्राइंग्स हैं पेंटिंग्स स्केचिंग ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ऑयल पेंटिंग्स होती हैं क्रियन से होती है मतलब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं तो हर एक के अंदर ही कोई ना कोई आर्टिस्ट है अच्छा वो वाली अगर ऑयल पेंटिंग देख रहे हैं तो उसके अंदर ये है डिजिटल आर्ट है तो उसके अंदर एंजल जनेवा मेरे फेवरेट हैं एक स्केचिंग है उसके अंदर लुइस है मेरे फेवरेट है, और वैसे तो जो फेमस पेंटिंग्स हैं वो तो है ही फेमस जो हैं वो तो पसंद है ही जिसके अंदर पिकासो के आ जाती हैं लियोनार्डो डिवेंची हैं उनकी है। और इस तरह से बहुत सारी फिर जो क्रिश्चन पेंटर्स हैं उनके जो है वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और क्योंकि पेंटिंग्स हैं जो हमें आर्टिस्ट से भी इंस्पायर कर देती हैं अच्छा आप पर ये बताएं इसके अलावा आप क्या करती हैं हमने सुना कि आप संडे स्कूल में भी खिदमत कर रही हैं जी साथ साथ क्योंकि वो हमारा मेन मकसद है आने का तो इस वजह से संडे स्कूल में भी साथ साथ करती हूँ मैं टीचिंग करवाती हूँ बच्चों को और उसके अलावा जो है चर्च में भी लेक्चर कई दफ़ा मैंने दिया है और बस खुदा ने ये अंदर डिफरेंट पै, टैलेंट्स पैदा किए हैं इवन अगर मैं देखूं तो मैं छोटे होते हैं इनमें से एक भी चीज़ नहीं कर पाती थी ना मैं स्केचिंग कर पाती थी ना मुझे फोटोग्राफी आती थी इवन मैं इस कदर शायद थी कि कोई जो था ना क्लास में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो सबसे ज़्यादा शिकायत जो ये लगती थी वो ये थी कि शायद ये बोलती कुछ नहीं है तो इसको कहा करे कि बोला करे कुछ तो खुदा की तरफ से मैं खुद इस चीज़ पर कई दफ़ा सोचूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि खुदा ने किस तरह से चीज़ें पैदा की हैं कि मैं संडे स्कूल में बच्चों को टीच करती हूँ और मैं लेक्चर दी हैं कई दफ़ा और जो है पेंटिंग्स आ गई हैं खुदा ने मतलब ये खुदा का फज़ल है कि खुदा ने सारा कुछ जो है हमने सुना, तो हम ने ने सुना, सुना है कि आप सिंगिंग भी करती हैं सिंगिंग जी, जी सिंगिंग भी वो भी मतलब कि खुदा ने मल्टी टैलेंटेड बना दिया इवन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी तो खुदा का शुक्र है कि सिंगिंग भी करते हैं और चर्च की एकर में है और उस तरह से भी जहाँ भी इबादत में जाते हैं तो ज़रूर करते हैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड्स किए हुए हैं कुछ गीत उसके ऊपर भी हैं तो इस तरह से क्या नाम है आपके चैनल का ईव्स डॉटर ये पापा ने नाम सजेस्ट किया था कि दोनों बहनों के लिए हवा की बेटियाँ क्योंकि सारे ही जो है माँ हवा बोलते हैं तो उससे हवा की बेटियाँ ईव्स डॉटर तो फिर सिकला फिर कुछ हो जाए मौका भी है और वक्त भी है ठीक है आप कुछ हमें सुनाएँ मैं वर्शिप एक्चुअली अकेले नहीं करती हूँ मैं अपनी सिस्टर के साथ मिलकर करती हूँ तो उसके साथ अगर हो जाए तो ज़रूर हाँ जी ज़रूर उसे भी बुलाएँ और आप दोनों कुछ सुनाएँ हमारे नाजरन को जी ठीक यसुदा जद नाम दाने आ जाना यसुदा जद नाम दाने आ जाना असा फता तो वद के गलबा पा जाना यसुदा जद ना मैदाने आ जाना यसुदा जद दिन मैदाने आ जाना ಯಸ್ಸು ಸಾಮಣ ಉಚ್ಚಿ ಸಸ್ಸು ಸಾಮೆ ಉಚ್ಚಿ ಸಕ ಲಶ್ ಸಾಮಣ ಮೂಲಕ ಜನ ಯಸ್ಸು ದದ ಮದಾನೆ ಆ ये सो दाजना मैदान आजाना अच्छा प्रसिकला ये बताएं कि इन फ्यूचर्स आपके क्या प्लान हैं आप क्या चाहती हैं स्केचिंग को लेके चलना चाहती हैं आगे या फोटोग्राफिंग को इसके अलावा कोई आपका और कोई मतलब इरादा के प्रोग्राम है कि मैं इसके अलावा इस फील्ड में जाऊँ Uh, अभी तो चूंकि मैं बी एस नर्सिंग कर रही हूँ तो उसी के अंदर ही क्योंकि जब वो कर रहे हैं तो वही डिग्री प्रोग्राम को आगे लेके चलना है लेकिन ये जो है ये एज़ अ पैशन तो साथ चलेगा ही क्योंकि इसको तो मैं स्किप नहीं कर सकती इवन मम पापा भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए मतलब पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ मैं तो अब जिस तरह से आप आए हैं तो इसके ज़रिए से भी प्रमोशन हो रही है तो खुदा का शुक्र है कि मतलब ये तो एज अ पैशन ही साथ चल रहा था लेकिन आगे एज अ प्रोफेशन का वैसे अभी तक तो प्लान नहीं है इनके लिए लेकिन शौक़ है कि मैं इस चीज़ को भी लेकर चलूँ या अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि मुझे भी इस चीज़ के कोर्स करवाएँ या मुझे इस चीज़ को और आगे करना है तो खुदा का फजल हुआ तो ज़रूर करेंगे लेकिन अभी तक तो इस चीज़ का एज़ अ प्रोफेशन प्लान नहीं है पैशन ही लेकर चल रहे हैं हम अच्छा प्रशिकला ये बताएं कि जो यूथ आपको देख रही है यंगस्टर आपको देख रहे हैं लड़के लड़कियाँ जो के कुछ करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन वाज तो उनके पास कुछ एक तो जैसे कि आप कहती हो कि आपके वालदे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं होती और कुछ सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता कोई तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आप बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्ची हैं तो इसके अलावा आप उनको क्या पैग़ाम देना चाहती ताकि वो भी आगे आ सकें और मसीह का जो नाम है वो रोशन कर सकें पहली बात तो यह है कि आपका खुदा के साथ रिलेशन स्ट्रॉग होना चाहिए क्योंकि जब खुदा के साथ रिलेशन है तो खुदा ख़ुद ब खुद मसाइल जो है आपके प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो खुदा हल करता जाएगा क्योंकि क्योंकि कलाम भी कहता है कि वो बुराई में से भी भलाई को पैदा करना जानता है तो इसलिए मैं खुद जिस तरह मैंने बताया कि मैं पहले से कुछ भी नहीं था लेकिन खुदा ने वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पैदा कर दी और अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई टैलेंट है इस तरह का तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस से इसके अंदर मतलब जैसे अगर स्केचिंग है, तो ठीक है स्टार्ट में अगर आपके पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करें या आपको चीज़ें ला कर नहीं दे रहे हैं आप सिंपल पेंसिल और पेपर तो हर किसी के पास होता है आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट करें या और सिंगिंग है तो वो उसके अंदर भी कोई आपकी वैसी चीज़ें नहीं लग रही हैं तो आप कोई भी आपका पैशन है अगर आपकी ख्वाहिश है तो वो आपको आप कर सकते हैं उसके अंदर और आप चाहे आपको लोग सपोर्ट करें या ना करें आप उसको अगर आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसके अंदर जी नाजरीन मुझे उम्मीद है कि आपको आज प्रसिकला से मिलकर खुशी हुई होगी कि प्रसिकला जैसी जो बच्चियाँ हैं वो मसीह कौम का फ़ख्र हैं वो किस तरह मल्टीपल टैलेंटेड है कि उन उनको फ़ोटोग्राफ़ी भी आती है वो स्केचिंग भी करती हैं इसके अलावा वो नर्सिंग भी कर रही हैं स्टडी करती हैं इतनी बिज़ी होने के बावजूद वो अपने पैशन को लेकर साथ साथ चल रही हैं और मसीह कौम का जो नाम रोशन कर रही हैं और गोसपल सिंगर भी हैं उन, उनका जो अभी आपने सॉन्ग भी सुना कि किस तरह उन्होंने रूह के साथ गाया और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा इसके साथ अपनी मेज़बान महविश नुमान और मेरे कैमरा मैन तारिक प्यारा को दे इजाज़त और फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में खुदा हाफ